नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरे लिए एक इमोशनल है और उसमें माँ के हाथ का स्वाद है। तो गाइस, मैं कुछ दिन पहले अपनी मासी के यहाँ घूमने गई थी, तो मासी ने मुझे ये दाल बनाकर खिलाई है जो मेरे हस्बैंड का फेवरेट बन चुका है। तो आज मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा इंग्रेडिएंट्स है। यहाँ पे है मसूर दाल, कटा हुआ टमाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्रीन चिल्ली, कटा हुआ प्याज एंड फ्रेश कटा हुआ धनिया। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पतीला ले लेंगे और इसमें मसूर दाल को डाल देंगे। यहाँ पे हाफ कटोरी मसूर दाल है और इसके लिए हम 3 कटोरी पानी का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम गैस को ऑन कर लेंगे और दाल में एक उबाल आने तक का वेट कर लेंगे। तो दाल में जो है उबाल आ चुकी है। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर और कटा हुआ ग्रीन चिली ऐड करेंगे। हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। चलिए एक बार दाल को चेक कर लेते हैं। तो गाइस, हम एक बार और दाल को चेक कर लेते हैं। तो गाइस, दाल जो है अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो गाइस, दाल हो चुकी है। अब हम ऊपर से मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। इससे दाल की जो अच्छी सी फ्लेवर आएगी और इसे खाने में भी अच्छा लगता है। तो गाइस, है ना एकदम इजी और अपनी माँ के हाथों का स्वाद। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।